हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम हरि 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 ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम आनंद ओम माधुर्य ओम 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 ओम। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम। आप सुनो, गुरुगांव में हनुमान जयंती के प्रोग्राम की बधाई हो। ओम 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 बम 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 बम। जय बजरंग बली। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। राम 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 राम। राम काज करवे को रसिया, राम कथा सुनबे को रसिया। राम काज बिन कहां विश्रामा, ये हनुमान जी का मूल मंत्र है। और राम कथा सुनबे को रसिया, जिसके जीवन में भगवत कथा नहीं है उसके जीवन में भगवत ज्ञान भी नहीं है, भगवत रस भी नहीं है, भगवत विश्रांति भी नहीं है। तो बचा क्या जीवन में? भगवत ज्ञान नहीं है, भगवत रस नहीं, भगवत विश्रांति नहीं। तो विकारी ज्ञान, विकारी रस और विकारी हरकतें और फिर मुसीबतें। बोले ये अबला से, कुमारी से, बालिका से अत्याचार हुआ अभी। तो किसी नेता ने बहुत तटस्थता से कहा, अगर संतों का संग होता तो ये काम नहीं होते। समाज में ऐसे व्यक्तियों का संतों की शरण मिलती तो वो ऐसा दुष्कृत्य नहीं कर सकते। बाल संस्कार में जाते तो ऐसा दुष्कृत्य नहीं कर सकते। तो उत्तेजक फिल्मों के कारण, शराब के कारण वर्णन न कर सके ऐसी गंदी हरकतें समाज में जगह ले रही है। और हनुमान जी की जयंती ब्रह्मचर्य के समर्थक, आजीवन बाल ब्रह्मचारी, हनुमान जी के विचार, हनुमान जी का उद्देश्य। हनुमान जी का उद्देश्य क्या था? हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि थी, नवनिधि थी। फिर भी हनुमान जी उस अष्ट सिद्धि का सामर्थ्य, सारे धरती के राजा मिलकर, राष्ट्रपति मिलकर, सेनापति मिलकर हनुमान जी की बराबरी नहीं कर सकते। जब हनुमान जी राम की शरण गए उस समय राम जी के सानिध्य के बाद वाले हनुमान नहीं, राम जी के शरण जाने के पहले वाले हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां थी। अणिमा छोटे हो जाए, गरिमा बड़े हो जाए, लघिमा, इस प्रकार की सिद्धियां थी। अष्ट सिद्धि नवनिधि थी। फिर भी हनुमान जी श्री राम के शरण गए, बिन शर्ती शरणागत ले ली। राम कथा सुनबे को रसिया और राम काज बिन कहां विश्रामा, ये हनुमान जी के दो मूल मंत्र थे। तो जिससे आत्मज्ञान पाना है, जिससे पूर्ण गुरु कृपा भई, पूर्ण गुरु का ज्ञान आसूमल से हो गए साईं आशाराम, वो तत्व पाना है तो उसके देवी कार्य के बिना विश्राम क्या। जो गुरु के देवी कार्य को खोज नहीं पाता, कर नहीं पाता, और गुरु के देवी अनुभव को क्या खोजेगा, क्या करेगा। तो जैसे पक्षी दो पंख से उड़ता है, आदमी दो पैरों से चलता है, बाइक साइकिल दो पहियों से भागती है। ऐसे अकेला कर्म जड़ हो जाएगा और अकेला ज्ञान पंगु हो जाएगा। ज्ञान की बातें तो हुई, बाल की खाल उतारने वाला बढ़िया ज्ञान तो आपको शास्त्रों का हो गया, लेकिन अंदर में प्रयोगात्मक नहीं। करते रहे मशीन की नाई काम, लेकिन जहाँ से करने का आरंभ होता है करने का अंत होता है उसका ज्ञान नहीं। तो ज्ञान तीन प्रकार का, एक इंद्रियगत ज्ञान, आंखों से देखना, नाक से सूंघना, जीभ से चखना, कान से सुनना, त्वचा से स्पर्श करना, ये इंद्रियगत ज्ञान। ये तो पशुओं के पास भी है, कुत्ता भी आंख से देख लेता है, बिलार भी देख लेता है, गैको गैकिया भी देख लेते सब, चिपकली भी देख लेती है आंख से, जरा सा यूं करता हूं तो चिपकली भागती पूंछ दबा के। इसको बोलते इंद्रियगत ज्ञान। इसमें मन की वृत्ति लगती है तब इंद्रियगत ज्ञान। मन सो गया तो आंखें खुली रहे, कान खुले रहे, कुछ पता नहीं चलता। तो इंद्रियगत ज्ञान से मन जुड़ता है। बुद्धि इंद्रिय का ज्ञान जगत के तरफ खींचता है। जीभ का देखा तो ललक पड़े, नाक का देखा तो ललक पड़े, जो जो जीव जिसके विशेष है। जैसे पतंगिया लाइट को देखकर ललक पड़ता है, परिणाम का विचार नहीं करता और ट्रैफिक की भीड़ में कुचल के मर जाता है, इंद्रियगत ज्ञान। लेकिन मनुष्य के पास बुद्धिगत ज्ञान की विशेषता है। बुद्धिगत ज्ञान में भी तीन स्तर है। तामसी ज्ञान, जैसे शराबी कबाबी को अंडा दिखा दो, दारू दिखा दो, ललक पड़ेगा, लेकिन मेरे सत्संगियों को दिखा दो तो आंख दिखाएंगे कि पागल हुआ है क्या, अरे बोले प्रसाद है बापू का, है बापू का ये प्रसाद है, राम जादे कहीं के चल जा नहीं तो खबर हो जाए। तो सात्विक ज्ञान वाले को तामसी चीजों का ज्ञान होते हुए भी उसमें फिसलेगा नहीं। तो तामसी वासना, राजसी वासना, धन के हमबार, वाहवाही के हमबार, सत्ता गहने गांठे के आवश्यकता के हमबार, ये राजसी ज्ञान। तो राजसी ज्ञान तामसी ज्ञान ये भी जीव को फंसाने वाला है। फिर सात्विक ज्ञान वो जीव को विवेक की प्रखरता देता है कि इतना पा लिया। ध्यान से सुनेंगे मेहमान, बिछा दे व्यारिन सोलो, पा लिया, इतना भोग लिया, फिर क्या, पाने को तो सोने की लंका जैसा पा लिया। स्टैंड अप, नए ग्राहकों, पाने को तो सोने की लंका पा लिया, सोने का हिरणपुर पा लिया, आखिर क्या, सारी पृथ्वी का राज्य और वैभव भी मिल गया, फिर भी ये आपके लिए पर्याप्त नहीं है और चाहिए 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 और फिर छोड़कर मरना। तो ये सात्विक बुद्धि परिणाम का विचार करेगी। तो इंद्रियगत ज्ञान और बुद्धिगत ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान तामसी, राजसी, सात्विक, ये हो के बदल जाते। फिर भी एक ऐसा परमात्मा चैतन्य ज्ञान है जो बदलता नहीं और केवल ज्ञान ही नहीं है, वो सत्य भी है, उसको भगवान भी नहीं मार सकते, सब देवता मिलकर भी नहीं मार सकते। तुम्हारा वो असली स्वरूप है, उसको बोलते ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म उसे बोलते जिससे भगवान नारायण, भगवान गणपति, सभी देवी देवता सत्ता स्फूर्ति चेतना पाते और सभी जीव चेतना पाते। वो है ब्रह्म परमात्मा। वो ब्रह्म परमात्मा विभू है, व्याप्त है, लेकिन जहां जहां अंतःकरण है वहां वहां उसकी, जहां जहां घड़ा है वहां वहां महाकाश घटाकाश दिखा, जहां जहां मठ है महाकाश मठाकाश दिखा, जहां जहां मेघ है तो महाकाश मेघाकाश दिखा। ऐसे वो ब्रह्म परमात्मा जो जैसा है उसमें वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा वैसे दिखा। दुनिया के सभी राष्ट्रपतियों को, सभी प्रधानमंत्रियों को चैलेंज है और सभी बापू जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों को चैलेंज है कि मच्छर के पास कोई विशेष साधन नहीं है, लेकिन उसको भी उस ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान ऐसा है कि आपको ठूंगा दिखाने में वो सफल हो जाता है। कान के आगे मच्छर गाना गाता है और आप सब काम छोड़कर बड़ी अक्ल होशियारी से, खूब सावधानी से मच्छर को पकड़ते। जरा सा मच्छर हो, इतना सा पंजा फैलाते, मच्छर बोलता है लो राम राम, बाय बाय, हाय हाय, हाय हाय। तो कैसा सूक्ष्म ज्ञान है उस परब्रह्म परमात्मा सत्ता का। वो ब्रह्म सत्ता है, चैतन्य सत्ता है। उस सत्ता के आगे सारे सत्ता और सारे सामर्थ्य उसी के यहां से पाते हैं। पेड़ पौधों को और धरती को, सूरज को उसी सत्ता से सत्ता मिलती है। उस ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान को पाने के लिए हनुमान जी राम जी के चरणों में बिन शर्ती शरणागति स्वीकार करते हैं। राम जी के पास जाने के पहले हनुमान जी में वो शक्ति थी, ब्राह्मण रूप बन गए थे, उड़ के पहुंच गए थे। हनुमान जी राम और लक्ष्मण को कंधों पर बिठाकर उड़ान भरने में समर्थ थे, लेकिन उस ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान के अभाव में राम जी की सेवा में लग गए। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशेभ्यः। उस आत्मदेव को जानने के बाद सब पाशों से, सब बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मैं मुक्त हो गया कर्जे से, लेकिन और मुसीबतें तो है। जेल से मुक्त हो गए, अरे मरने के बाद शरीर से और सारे जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, लेकिन प्रकृति पकड़ के किसी गर्भ में डाल देगी तो बंधन तो रहा ना बेटे। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। ये पिंड जो आपका ये शरीर है ना, ये एक शरीर, फिजिकल शरीर, इसको अन्नमय शरीर बोलते हैं। इसके अंदर चार शरीर और हैं। प्राणमय शरीर, प्राण निकल गया तो ये मुर्दा हो जाएगा। प्राण चल रहा है लेकिन मनोमय शरीर सो गया तो भी पता नहीं चलता। इससे और दो शरीर हैं। तो ये पंच कोश को जो सत्ता स्फूर्ति देता है, और पंच कोश अपनी प्रक्रिया निभाए न निभाए फिर भी जो ज्यों का त्यों रहता है, उस आत्मदेव का ज्ञान इतना महान है, इतना सुश्रेष्ठ है और इतना सामर्थ्य का खजाना है कि उसके आगे राष्ट्रपतियों का सामर्थ्य तुच्छ है। परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति, लेकिन जेल में पड़ा है, तुच्छ सामर्थ्य। क्या ख्याल, तुच्छ सामर्थ्य। सदाम हुसैन फांसी लग गया, तुच्छ पीएम पद का। चक्रवर्ती राजा है, मरने के बाद क्रिकेट हो गया, तुच्छ है। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, लेकिन व्हाइट हाउस में भटक रहा है बेचारा प्रेत होकर, तुच्छ पद है। तो इन तुच्छ पदों को पाकर, जैसे ये हमारे साधक हैं, दीक्षा के पहले छोटी मोटी थी, अब तो भाई 1500 करोड़ पर साइन करते, साल में 125 करोड़ हर महीने खर्च करते। लोगों की नजरों में के बापू ने बहुत कुछ दे दिया, लेकिन मैं बोलता हूँ बहुत तुच्छ है। अटल जी आए, बोले बापू जी पीएम बन गए, लोग बोले ऐसा हो गया, मैं बोलता हूँ बहुत तुच्छ है। तुम्हारे अंदर इतनी संभावना है, इतनी योग्यता है, इतनी महानता है कि हनुमान जी जैसी अष्ट सिद्धि नवनिधि आने के बाद भी तुम्हें उस आत्मज्ञान का उद्देश्य, उसको सुनने का, समझने का नजरिया होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसने सब कुछ दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, ब्रह्म परमात्मा के विचार में एक क्षण के लिए जो मन स्थिर किया, उसने सारे तीर्थ कर लिए, सारे यज्ञ कर लिए, सारा श्रेष्ठ कर लिया। उस ज्ञान के लिए पहुंचने वाले हनुमान जी की आज हनुमान जयंती है, उसकी बधाई हो। और ये हनुमान जी के जीवन से हम लोगों को ले लेना चाहिए कि राम कथा सुनने को रसिया और राम काज बिन कहां विश्राम। अब तुम बोल दो आशाराम बापू बिना, आशाराम काज बिना कहां विश्राम। बस इतना ही तो करना है और क्या, डिजिटल डिजिटल और धमाधम हो जाए। अब देखो 167 देशों में लाइव हो रहा है और अभी इतने लोग यहाँ सुन रहे, और ये ऐसे वैसे लोग नहीं, सुबह 9 बजे के बैठे। बापू के दीवाने कुप्रचार से बहकाए नहीं जाते, कदम रखते आगे तो फिर वापस लौटाए नहीं जाते। हरिओम ओम 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 ओम। बैठो, आप खड़े रहोगे, पीछे वाले सब बैठो, मेहमान खड़े रहे। इधर उल्टी गंगा बहाता हूं, जल्दी बैठो। 3 बोलते ही सब बैठे मिलने चाहिए मेहमानों के सिवाय। 1 2 आउट हो गए तो फिर समझ जाना, 1 2 अढ़ाई पौने 3। मेहमान मुड़ के देखो कहाँ तक की है महफिल। और पीछे वाले मेरे को देख नहीं पाते होंगे तो मैं अभी रेलगाड़ी को बुलाऊंगा। ये रेलगाड़ी की पटरियां बिछी है, देखा, और रेलगाड़ी चलाऊंगा और पीछे तक पहुंचूंगा, उनसे रूबरू होऊंगा। पूनम 1 बापू 1 प्रोग्राम 4। कल सुबह इंदौर में पूनम थी, 11 बजे बम्बई पहुंचे, 12 बजे बोरसद पहुंचे, 1 बजे वापी पहुंचे, और फिर वापी से आज चलते चलते बम्बई होते हुए यहाँ पहुंचे। 74 साल का जवान। वो आत्मा परमात्मा का सामर्थ्य आपको थोड़ा भी पता चल जाए तो आपको लगेगा कि मैं मानता था कि मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ, 200-400 करोड़, लेकिन मेरी ना समझी थी। मैं पीएम हो गया हूँ, बड़ा आदमी हो गया हूँ, मेरी ना समझी थी। मैं इंद्र बन गया हूँ, 33 करोड़ देवताओं से सम्मानित होता हूँ, लेकिन ना समझी है। हनुमान जी की समझदारी का मैं बहुत बहुत आदर करता हूँ कि इंद्र भी उठ के खड़ा हो जाता था, हनुमान जी में वो पावर था, लेकिन राम जी के आगे हनुमान जी उस आत्मज्ञान की महिमा जानते। तो सितारों से जहां कुछ और भी हैं, सितारों से जहां कुछ और भी हैं, डिजिटल ठीक है, सितारों से जहां कुछ और भी हैं, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी। हरिओम ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम। अब मैं तुम्हें भोजन की छुट्टी कराता हूं, लेकिन आरती किए बिना तुम भोजन नहीं करोगे। करो बापू की आरती, चलो। ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। ये भी बड़े उद्योगपति। मेरा अंतर सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। रेलगाड़ी आ जाना। हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। तेरे द्वार पे वो कमाई करवा रहा हूँ। आपके हरीफ आप पर हावी नहीं उठाएंगे, दर्शन कर लो। इधर साधु महाराज को भी प्रणाम कर लो। डिजिटल अंतर तीन मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीशे झुकाए तेरी आरती, शीशे झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। सांची ज्योत जगे जोरदार में, सांची ज्योत जगे जोरदार में, सोहम नाद जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी, चरणन शरण लगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहन विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुनहो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओ। ये रेलवे भक्त धाम देवता की नाई कृपा नहीं मांगा, गुरुदेव की नाई। देवता तो जैसा पूजा करो, जितना कुछ धरो, उसके बदले में देंगे कई गुना करके, लेकिन हनुमान जी वही देंगे जो गुरु देते हैं। जैसे दुकान पे तुम 100 रुपया ले गए, बच्चे को 100 रुपया लेकर भेजो दुकान पे, वो बच्चा बोलता है सोडा खार, लाल मिर्ची, लक्ष्मी छाप फटाके। दुकानदार ने 100 रुपये का वो सामान भर के दे दिया, फिर सोडा का हाथ आंख में लगे, चाहे मिर्ची नाक में लगे, चाहे फटाकड़ा हाथ में फूटे, दुकानदार की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन वही 100 की नोट पिता की अथवा गुरु की जगह पे वो धरता मांगता है, तो वो नहीं देंगे। जिसका परिणाम सुखद होगा वही चीज देंगे बच्चे को। तो दुकानदार में और पिता में ये फर्क है। ऐसे ही देवता से तुम जो मांगो वो दे देगा तुम्हारी साधना के बल से, लेकिन गुरु से जो मांगो वो नहीं देंगे। गुरु तो वही देंगे जिससे तुम्हारा अभी वर्तमान में मंगल हो, भूतकाल के दोष और पाप कट जाए, और भविष्य तुम्हारे और तुम्हारी 7 पीढ़ियों के लिए मंगलकारी हो। तुम्हारे भविष्य साथ मंगलकारी हो। लाइट चली गई थी। नारायण नारायण उद्देश्य अपना बना लो, जो शरीर के बाद भी आपके दुखों का अंत करके अभी अभी दिखा दे। वर्तमान के दुख, भूत के दुख और भविष्य के दुख सबको निरस करके वर्तमान में आनंद माधुर्य और भविष्य में मोक्ष का अनुभव यही करा दे। ये है हनुमान जी की नजरिया। नजरें बदली तो निजारे बदले, और किश्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले। जिनको जल्दी भोजन करने की बात समझ में आ गई है, उनको जो फायदे होते हैं वो गजब के होते हैं। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, हनुमान जी क्या जादू है तुम्हारे उद्देश्य में। ये रेलवे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण घूम जाती। आंखों की जलन, कानों का दर्द, अनिद्रा और विज्ञानी बोलते आने वाले 15 साल के बाद कान, आंख और अनिद्रा के रोगियों की संख्या का व्यापक रूप हो जाएगा, और कैंसर की बीमारी और नपुंसकता का रूप भी व्यापक हो जाएगा। लेकिन हमने खोज लिया राग वसंती, राग सहानी और राग पहाड़ी। मोबाइल फोन की हानियों को टक्कर मारने वाली जीवनी शक्ति जगाता है। राग पहाड़ी गाएंगे सुरेश महाराज, फिर से गाते सुरेश वापिस। रेलवे उत्तर दक्षिण खींच के लाया, तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया हो जोगी, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। यश कीर्ति और स्वर्ग से ऊंची होती आत्म शांति, यश कीर्ति और स्वर्ग से ऊंची होती आत्म शांति। जोगी सहज में मोहि दिलाते मिटाए सारी भ्रांति, जोगी सहज में मोहि दिलाते मिटाए सारी भ्रांति। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। इस जोगी के चरणों में ही बसी है दुनिया हमारी, इस जोगी के चरणों में ही बसी है दुनिया हमारी। इनका दर्शन इनकी दृष्टि हरे मुसीबत सारी, इनका दर्शन इनकी दृष्टि हरे मुसीबत सारी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। जग के सब सुख छोटे हैं जोगी की भक्ति के आगे, जग के सब सुख छोटे हैं जोगी की भक्ति के आगे। जोगी की भक्ति में शक्ति इतनी सारे दुख है भागे, जोगी की भक्ति में शक्ति इतनी सारे दुख है भागे। जोगी ने क्या जादू है प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। शो मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत, तुम मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत। तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तो सब की बनाए हो जोगी, बिगड़ी तो सब की बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। करे हैं दिन में उजाला चांद करे रातों में, सूर्य करे है दिन में उजाला चांद करे रातों में। जोगी ज्ञान का करे उजाला सतत सभी के दिलों में, जोगी ज्ञान का करे उजाला सतत सभी के दिलों में। आय हाय जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी क्या जादू है तुमरे जोग में। नारायण नारायण नारायण। तो ज्ञान तीन प्रकार का। सामान्य ज्ञान इंद्रियों में बैठो बैठो मत करो। तो इंद्रियगत ज्ञान शूद्र प्राणियों में भी है, कीड़ी में मकोड़े में भी है। बुद्धिगत ज्ञान बुद्धि की अलग अलग योग्यता के अनुसार सबके अंदर कम ज्यादा होता है। नागरिकपना तो एक चपरासी का भी है और पीएम का भी है, लेकिन पीएम जाता है तो 1800 लोग उनकी सुरक्षा में लग जाते, तो उसकी बुद्धि का ही चमत्कार है। लेकिन पीएम की बुद्धि, राष्ट्रपति की बुद्धि जहां से ज्ञान लाती है और बुद्धि परिवर्तित होती है, वो जो ज्ञान है उसको बोलते वास्तविक चिदानंद रूप पर ब्रह्म परमात्मा तत्व का ज्ञान। उस ज्ञान में 3 मिनट के लिए रुक जाए, इंद्र देवता आपके आगे बोना हो जाएगा। उठो माया जाओ भोजन। उसको उसके लिए ललक होती है। जिनको 2-4 बच्चे हैं उनको नहीं, जिसके पास बच्चा नहीं वो बच्चे के लिए ललकता है। तुम्हारे पास दाढ़ी नहीं, दाढ़ी की ललक मैं देने वाला नहीं और तुमको आने वाली भी नहीं। फिक्र मत करना, जिसके पास है वो बापू हमारे हैं। मौज करो अपने ज्ञान को। विश्रांति वाला राम जी की कृपा से तुलसीदास जी को विश्रांति मिली और राम जी के राम तत्व के ज्ञान से हनुमान जी को विश्रांति मिली। और हनुमान जी ने पूछा, राम जी आप कैसे? बोले, जगत दृष्टया स्वामी तो सेवको अहम, आप स्वामी हो मैं सेवक हूं। सृष्टि दृष्टया ईशो त्वम जीवो अहम, मूलत्र दृष्टया तवैव अहम, जो आप हो वो मैं हूं। हनुमान जी को आलिंगन करते श्री राम जी। तब से राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। हनुमान राम जी के मंदिर है, वहां हनुमान के बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन राम जी के मंदिरों में हनुमान जी चाहिए, लेकिन हनुमान जी के मंदिर स्वतंत्र भी है। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो। नेता ऐसा बोले तो ऐसे ही बिना बोले भी चप्पलें उछलती, और ऐसा बोले तो क्या हो जाएगा। लेकिन तुम्हें पता है कि बापूजी झूठी कसम नहीं खाएंगे, अपने प्यारों की कसम झूठी क्यों खाएंगे। मरे तुम्हारा अहंकार, मरे तुम्हारी अल्प में उलझन। अल्प में उलझ जाते हैं, 200 करोड़ का। अरे उलझा है बच्चू, मेरा 500 करोड़ का। ओहो, 1000 करोड़ वाला मेरा भगत, आपकी दया से 1000 करोड़। मेरी दया नहीं, मेरी दासी की दया हुई। मेरी दया होती तो मेरे आत्मा को जान लेता बच्चू। मेरे पास 16,000 आदमी काम करते, हीरे का व्यापार है। आपकी दया, मैं मेरी दया नहीं, मेरी दासी की दया है। ये अजय मिश्रा पढ़ने में ढीले थे, स्कूल में से नाम निकालने की नौबत आई। बापू ने मंत्र दिया। नोकिया कंपनी में ग्लोबल प्रोडक्ट मैनेजर 47 लाख मिलता है। बापू जी आपकी दया बेटे, ये मेरी दासी की दया है। मेरी दया का तो कुछ और ही, हमारी दया का कोई और ही अंदाज है। हमें उस पर नाज है तो उसे हम पर भी नाज है। आई है वंडरफुल। तेरे बाप की जय। चुप रहे। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए, एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारी। सुनो, कईयों को भावनात्मक तनाव से जीवन जहर जैसा लगता है, कईयों को फिजिकल शारीरिक तनाव से जीवन रोग का घर लगता है, किसी को बौद्धिक तनाव से पूरा संसार मुसीबतों का पचड़ा लगता है। और ये तीनों तनाव मिटाने की एलोपैथी में कोई दवा नहीं है। हाँ, नींद की गोली है, सुनसान पड़े रहो, अथवा पेन किलर है। बड़ा बदमाशी का नाम है पेन किलर। पेन को तो नहीं मारता, पेन की खबर देने वाली कमजोर कोशिकाओं को मारता है और बाकी की कोशिकाएं बाद में पेन की खबर देती है। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम वो करो, लेकिन झूठ नहीं बोलता हूं ना। होली के दिनों में पलाश के फूलों से रंग छिटकने से आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, सप्त धातु, सप्त रंग संतुलित होते हैं। आपके ऋषि मुनियों की हिंदू धर्म की महानता का प्रसाद राजा रघु थे तब से चला आ रहा है। लेकिन अंग्रेजी शासनों ने अंग्रेजी रंग चालू कर दिया और पलाश के रंग का प्रभाव दबा दिया। अब काले रंग में लेड ऑक्साइड पड़ता है, वो किडनी कमजोर कर देता है। प्रीमियम ब्लू पड़ता है, वो दमे की बीमारी देता है। ऐसा कोई भी रंग नहीं जो खतरनाक बीमारी ना दे। करोड़ों करोड़ों के पैसे का तो हानि होता है, लेकिन अरबों रुपए की भारतवासियों की जान से खिलवाड़ होता था। तो मैंने विरोध तो नहीं किया, पलाश के फूलों का रंग छांटना शुरू किया। बम्बई एयरपोर्ट का मैनेजर बड़ी सेवा करता था। मैं क्या तुम इतनी साहसिक सेवा करते हो? और कई महीनों से मैं देखता हूँ, मेरा जहाज लेट हो रहा है तो उसको सिग्नल दिलाते हो, दूसरे जहाज में जाना है तो उसको जरा लेट कराते हो, और मेरी ऐसी साहसिक सेवा करते हो, क्या कारण है? बोले, मेरे पिताजी को एलर्जी थी, नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी, खुजली थी, फलाना फलाना, अंग्रेजी नाम कई दवा बीमारियों। और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। फिर मैंने सुना कि पलाश के फूल और उसमें कुछ आप जो भी तुलसी का ये वो कुछ डालते हो और फिर रंग भगवान का नाम लेके छाटते हो, लोगों का शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, बौद्धिक तनाव चला जाता है, रोग मिट जाते। मेरे पिताजी को भेजा और वो अच्छी तरह से सोते खाते, जिसने मेरे बाप की जिंदगी बढ़ा दी बना दी। ऐसे बापू की जो सेवा तो कर दी। अरे चुप रहा, तेरे बाप की जय। मैं बोला अरे पलाश के फूल, काम तो तेरा और बेटा नाम मेरा हो रहा है। पलाश के फूल की योग्यता थी। मैं एक जगह पर होली का रंग छिटकता तो 2-4 लाख आदमी रहे खड़े हो सके, उतना बड़ा मैदान था। 20-25 एकड़ सूरत में है जमीन, वहां 2-2 दिन तक किया तो 10 लाख आदमी कोई छाट सकूं, लेकिन करोड़ों भक्त बेचारे। तो 2012 में मैंने 9 जगह पर होली का कार्यक्रम दिया और ये 2013 में 13 जगह पर दिया। जय तो सही, लेकिन सुनो। अब होली चली गई, अब रंग छाटना व्यवहारिक नहीं है, तो पलाश के फूलों को इकट्ठा करवाया, उसका शरबत बनवाया। अब तो भोजन का समय हो गया, फिर देखते हैं। तुमको पलाश के फूलों का शरबत पीना चाहिए और मेहमानों को घर बैठे शरबत पी सके, ऐसे ही अजय मिश्रा 1 आध बोतल पकड़ा देना दोनों को, 1-1। जयराम जी बोलना पड़ेगा ना भाई, अतिथि देव होता है। अब जाओ खाओ पियो। रात को 1 से 3 के बीच जो जगते हैं उनकी लीवर खराब हो जाती, नींद खराब हो जाती और अनबैलेंस जीवन हो जाता है, प्रतिक्रिया की शक्ति दब जाती। तुमने देखा होगा हाईवे के ड्राइवरों को आरटीओ टैक्स उनके मालिक भरते हैं, टोल टैक्स वे भरते हैं, फिर भी 2-4 पुलिस वालों से वो दबाए जाते, नोचे जाते। और किसी हाईवे ड्राइवर के पास, तुमने बंबई में फ्लैट देखा हो तो बताओ, नहीं है। दिल्ली में देखा हो ड्राइवर के पास फ्लैट है कोई बढ़िया, नहीं है। क्यों? मेहनत तुम्हारे से ज्यादा करते हैं। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, मन बुद्धि भी लगाते और आंखें खुली रखते। तुम 2 मिनट तो झोंका खाओगे, मैं 10 मिनट झोंका खाता हूँ। वो 1 मिनट झोंका खाए तो अपनी और कईयों की जान ले ले। फिर भी ड्राइवरों के पास नहीं है, क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया जो 1 से 3 शरीर की प्रतिक्रिया करने की ऊर्जा नींद से मिलती है, वो जागते हैं। तो पति पत्नी के काला मुंह प्रोग्राम में भी नहीं जगना चाहिए 1 से 3। कैसा रहस्यमय बात है, डॉक्टरों को भी सीखना पड़ता है इधर। और 11 से 1 तक नई कोशिकाएं बनती। लो साहब, एट ए टाइम मैनेजमेंट, गुड मैनेजमेंट है। तो 11 से 1 आपकी नई कोशिकाएं बनती। जो 11 से 1 के बीच जगते हैं उन युवक युवतियों को देखो, बुढ़ापे के लक्षण दिखेंगे, चश्मा दिखेगा, चेहरा जरा बुढ़ापे जैसा। 9 से 11 की नींद आपकी थकान मिटाने में सबसे सर्वोपरि, और 11 से 1 जीवन को बनाए रखने में नींद बड़ा काम देती है। और 1 से 3 तो बाप रे बाप, लीवर को, आंखों को, दिमाग को दबंग रखती। इस नींद का फायदा उठाना। और 4 से 5 के बीच प्राणायाम करोगे तो मनोबल, बुद्धिबल, प्राण बल बढ़ेगा। कैसे भी बुद्धू से बुद्धू बच्चा है, टनाटन बना देते हम। इनको दिखा दो 5 साल का लड़का कैसे गाड़ी चलाता है, कैसा मुख्यमंत्री से सम्मानित हो जाता है। 5 साल का लड़का। मुझे हिंदू धर्म में जन्म लेने का बड़ा गर्व है और हिंदू धर्म के मंत्रों की शक्तियों का मुझे और मेरे करोड़ों प्यारों को फायदा देने का भी मुझे बड़ा आनंद है। 4 धर्म प्राचीन थे, रोम, यूनान, मिस्र और भारत। 3 को तो धर्मांतरण वालों ने अजायब घर में भेज दिया। 1 हिंदू धर्म बचा है जो भगवान का अवतार करा सकता है। हिंदू धर्म के सिवाय भगवत अवतार कराने की कहीं भी योग्यता नहीं। उस हिंदू धर्म की जड़ें काटने को लगे हैं। तो मैं जरा सामने खड़ा हो गया तो मीडिया का उपयोग करके कुप्रचार करते हैं, लेकिन एवरी एक्शन क्रिएट इन रिएक्शन। पैसा तुम्हारा, नाम हमारा। आए बेटे, आप इधर नहीं देखना। हाँ, वो जो नहीं देखता है वो भी तेरा बाप देखेगा। बापू के पास नहीं जाना, वो तेरे बाप आने लग गए, बढ़ गए। पहले 2 करोड़ मेरे भक्त थे, अभी कितने करोड़ मेरे पास संख्या ही नहीं। अब मेहमान हो तो सुनाता हूँ। मेरी नानी मर गई थी, शमशान में ले गए थे, वहां हिली, रस्सियां काटी और नानी पैदल चल के आई। पूछा क्या हुआ था? बोले नरक देखा। मैंने कहा नरक में वही जाता है जिसको संत का दर्शन और सत्संग नहीं है। नरक में वही जाता है जिसने ओमकार मंत्र नहीं जपा, जो दारू पीता है, मांस खाता है। तो बोले तुम्हारा नाम हेमीबाई पोहमल है? बोले नहीं, हमारे पति का नाम दूसरा है। क्या नाम है? पापी है। बोलो। नहीं ले सकते, तुम बोलो। प्रेम हेमीबाई अंजुमल? बोले नहीं। पहलाज राय, प्रीतम दास, न फलाना फलाना, ना भाई बोल दो ना भैया, हम लेते नहीं, आप बोलते जाओ ना। बोलते 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 हेमीबाई प्रेम कुमार। बोले कुमार हटा के चंद लगाओ तो। बोले चंद? बोले हाँ। ऐ मूर्खो, हेमीबाई पोहमल को लाना था, हेमीबाई प्रेमचंद को लाए, वापस छोड़ के आओ। 39 साल नानी जी, यमराज की क्लास लेकर फिर से 39 साल जीने वाली नानी का मैं दोता लगता हूँ। भैया संभल के जरा, बच के मेहमान संभल के जरा। और नीम के पेड़ को आदेश दिया कि जहाँ झूलेलाल की हद पूरी होती है वहां चल के खड़ा रहे। तो नीम का पेड़ खिसका और मुसलमानों ने चरण पकड़े। नहीं तो हमारी राम परंपरा है, केशव राम, लीला राम, आशा राम, दाता राम, लेकिन लीला राम का नाम लीला शाह बन गया। नीम के पेड़ को आदेश दिया, जैसे ज्ञानेश्वर चबूतरे को चला दिया, ऐसे मेरे गुरु ने नीम के पेड़ को खुलेआम चला दिया। ऐसे गुरु का मैं चेला लगता हूँ और कई करोड़ों का मैं बापू लगता हूँ। इसलिए आप जरा अरे तू चालू करने सुरेश भैया। और जगह तो रहमत की बस बात होती है, और जगह तो रहमत की बस बात होती है, मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है, मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है। चलो अलाउंसर, हरिओम। आज शाम को हरिओम। हाँ सतगुरु दाता, आपके श्री चरणों में कोटिन कोट वंदन। तेरे दर्शनों की चाह हर चीज भुला देती है, बंद आंखों में सुंदर सपने सजा देती है। सपनों की दुनिया में जरूर आना मेरे दाता, क्योंकि हकीकत तो मिल के जुदा कर देती है। हे ब्रह्मज्ञानी सदगुरु साईं, आपकी वाणी के ब्रह्म ज्ञान को कानों से सुनकर हमारे हृदय के कमल खिल जाते हैं। इस वाणी के एक एक शब्द से लाखों भक्तों का उद्धार हो रहा है। आप इंसान के अभी 167 देश के लोग देख रहे हैं, गुड़गांव दिल्ली के कार्यक्रम को सुन रहे। आप इंसान के जन्म लेने से पहले से लेकर उसके मरने के बाद तक उन्नत करने वाली साधना समझाते हैं। इससे हमारा जीवन सदा आनंद व उल्लास से भरा रहता है। लाखों भगत सदा आपकी राह में पलके बिछाए, मन में आपके दर्शनों की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, और जैसे स्वाति नक्षत्र में बरसात की बूंद से सीप में मोती बन जाते हैं, वैसे ही आपके दर्शन दीदार पाकर भक्तजन सुच्चे मोती बन जाते हैं। फिर इन भक्तों की श्रद्धा पर कोई बाहरी व्यक्ति या निंदक कैसी भी चोट करे, उनमें कोई भी और उनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता, बल्कि और निखार आ जाता है। भक्तों की भक्ति तो सद्गुरु के नाम होती है, उनके दुखों के मिटाने में गुरुवर की शान होती है। कण कण में रहकर करुणा करते हो दयालु दाता, यही तो सच्चे ब्रह्म ज्ञानी मेरे बापू की पहचान होती है, मेरे बापू की पहचान। चलो नाम जल्दी आज जैसे सिम कार्ड मिलने से सैटेलाइट से जुड़ जाते हैं और सब कुछ बातचीत आसान हो जाती है, ऐसे गुरु दीक्षा के साथ शिष्य की चेतना और गुरु की आत्मा की एकाकारता। शरीर से गुरु जी बैठे तो बच्चा दब जाए, बच्चे को गोद में ले तो उसके पैर नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी स्पिरिचुअल वास्तविक तत्व ज्ञान में वो पावर है कि लौकिक इंद्रियों का ज्ञान, इंद्रियों का शरीर तो दिखता है, लेकिन तत्व ज्ञान कितना विभू और पावरफुल है ये प्रत्यक्ष देख लो। उस समय बापू तो कहीं थे और ये कहीं था, फिर भी कैसा व्यापकता है। उस ज्ञान के लिए हनुमान जी लालायित थे। हनुमान जयंती के दिन तुम भी थोड़े लालायित हो जाओ। सारे तीर्थ करने का, सारा दान करने का, सारे देवताओं का पूजा करने का, सारे पितरों को तृप्त करने का फल एक क्षण उस आत्मज्ञान में ठहरने वाले को मिल जाता है। जाओ मेहमान, खड़े हो जाओ। देखो ये जाते भी नहीं, खाते भी नहीं, शरबत भी नहीं पिएंगे तो क्या करोगे? मार खाओगे?